गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जो भी क्लासेज हो रही हैं आप इसको सीरियसली लें, अपना डेली का काम डेली करते रहें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपका सिलेबस भी पीछे नहीं रहेगा और आप जो एग्जाम होगा आगे चल के, जो 10th क्लास है वो बोर्ड का एग्जाम होगा, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि घर पे अब कोई काम है नहीं, केवल पढ़ाई का काम है। आप पढ़िए, मस्त रहिए, खाइए पिए। तो कल हम पढ़ रहे थे, दो टाइप का रिएक्शन पढ़ लिया था मैंने, एक कम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बारे में सारे एग्जांपल और डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है, तीसरा टाइप, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप जानते हैं डिस्प्लेस मीन्स जगह बदलना, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जगह बदल देता है। बस कंडीशन ये होती है कि जो एलिमेंट होता है डिस्प्लेस करने वाला वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज displacement reaction. highly reactive element displace another less reactive element is known as displacement reaction. is known as displacement reaction. मान लीजिए CuSO4 है, example दे भाई, copper sulfate, ये sulfate होता था SO4 2-, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। इसमें जब zinc डालते हैं तो ये जो zinc है ये डिस्प्लेस कर देता है किसको? कॉपर को। यहाँ जिंक आएगा और इस कॉपर को कहेगा तो हट यहाँ से, और यहाँ जिंक लग जाएगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ZnSO4 plus Cu। देखो जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस जिंक ने इस कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हटा दिया। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कॉपर ज्यादा, ये जो आने वाला है ये ज्यादा ताकतवर होना चाहिए तभी ये हटेगा। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपकी इस जगह के ऊपर से आप किसी को हटाना चाहते हैं, दूसरे स्टूडेंट का जगह है और आप यहाँ से जाके इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो आप ये काम तभी कर पाएंगे जब आप इससे ज्यादा ताकतवर होंगे। तो आप इसको उठा के यहाँ रख देंगे, मीन्स हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। CuSO4 + Mg, कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। CuSO4 + Mg, ये मैग्नीशियम है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा MgSO4 + Cu। अगली बात समझ में? या फिर CuSO4 + Fe है तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ कौन पहुंच जाएगा? बस केवल आयरन लिख दें, FeSO4 + Cu। अगली बात समझ में? AgNO3 + Cu, कितने भी एग्जाम्पल आप एक दो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। AgNO3 + Cu, ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, इस Ag को यहाँ से हटा देगा, यहाँ कौन लग जाएगा? कॉपर और Ag यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर। Cu, लेकिन फॉर्मूला अलग बन जाएगा भाई, NO3 2+Ag, CuNO3 2+Ag, क्योंकि कॉपर के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होता है, Ag के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, उस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। मान लीजिए Fe + HCl है तो ये आयरन यहाँ से इस H को डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट बनेगा क्या? FeCl2 + H2। बैलेंस कर लेंगे आप इस रिएक्शन को, Mg होता यहाँ + HCl होता तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और खुद चला जाएगा MgCl2 + H2। ये फॉर्मूले कैसे लिख रहा हूं मैं, इनको जानने के लिए कक्षा 11 में अगर एनसीईआरटी की बुक है तो पेज नंबर 34 के ऊपर देखें, और एसएन की बुक है तो पेज नंबर 135 के ऊपर देखें।
फॉर्मूले लिखने का तरीका, मैग्नीशियम और क्लोरीन है, मैंने बताया था मैग्नीशियम के ऊपर दो पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव, ये वाला चार्ज यहाँ, ये वाला यहाँ, फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2, इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम और ये क्लोराइड, फॉर्मूला पढ़ना, उसके नेम जानना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 का अगर NCERT की बुक है तो ये पेज देखें, अगर आपके पास अश्चांत की बुक है तो ये वाला पेज देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जब क्लास में करवाया था तो उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया था, बहुत ज़्यादा पर्सन करवाए थे उसके। अब जो नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्थ टाइप का जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे को, डबल के अंदर क्या हो जाएंगे, दो आयन आपस में डिस्प्लेस करना शुरू कर देंगे। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या है, लिख सकते हैं आपकी इसकी डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो जो कंपाउंड है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और आयन को एक्सचेंज कर लेंगे, उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उन रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए AgNO3 है प्लस NaCl है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयन को एक्सचेंज करेगा। देखो इसके आयन क्या बनेंगे, Ag पॉजिटिव होता है और आप NO3 क्या पढ़ देते, कितना नेगेटिव होता था NO3 के ऊपर, N नेगेटिव, उसका नाम था नाइट्रेट। Na सोडियम के ऊपर कितना, 1 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर कितना, 1 नेगेटिव, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आयन को एक्सचेंज कर दे, इस वाले पॉजिटिव के पास इसका नेगेटिव ले आए, तो देखिए Ag पॉजिटिव के पास इसका नेगेटिव लेके आएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgCl, और इस वाले पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव लेके जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaNO3। देखो आयन क्या कर दिया हमने, एक्सचेंज कर दिए, इसके पॉजिटिव के पास दूसरे वाले का नेगेटिव ले आए, इसके पॉजिटिव के पास इस दूसरे का नेगेटिव ले आए, इस तरह से हमने आयन को क्या कर दिया, एक्सचेंज। इसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं आप, कितने भी, NaOH प्लस HCl, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे ही बना होगा, ये वन इधर आया होगा, ये वन इधर आया होगा, NaOH। हम इस आयंस, इस फॉर्मूले को देख के इसको आयंस में लिख रहे हैं, और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अब क्या करें, इसके पास ये वाला नेगेटिव ले आए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl प्लस दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, क्या बनेगा, H2O, NaCl प्लस H2O, यही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं आप, BaCl2 प्लस CuSO4, BaCl2 प्लस CuSO4, देखो ये दो इधर जाएगा और ये वन इधर जाएगा तो क्या बनेगा, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आप जानते हैं SO4 के ऊपर क्या होता है, 2 नेगेटिव, तो कॉपर के ऊपर क्या रहा होगा, 2 पॉजिटिव, कि सल्फेट है, इसके बारे में आप जानते हैं, इसके पास ये वाला ले, अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो क्या लिख देते हैं, BaSO4, इसका प्रोडक्ट बनेगा BaSO4 प्लस ये क्या बनेगा, Cu और Cl नेगेटिव, Cu के ऊपर दो पॉजिटिव है, Cl के ऊपर एक नेगेटिव है, ये दो इधर जाएगा, वन इधर जाएगा तो क्या बनेगा, CuCl2। इस टाइप से हम रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हैं, बिना कुछ याद रखे उसको आयंस को एक्सचेंज कर दें, बस क्या कर दें, यहाँ ये वाला बेरियम पहुंचा दें, यहाँ ये वाला कॉपर पहुंचा दें,
तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, CuCl2 बनेगा, और डबल आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट कॉमन टाइप की रिएक्शन है पांचवी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चार तो हमने पढ़ ली, पांचवी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ध्यान दे भाई, ऑक्सीडेशन को समझते हैं हम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो दो बात होंगी कक्षा 10 के लिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये चीजें होती होंगी उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझ, ध्यान से, मैग्नीशियम है प्लस O2, प्रोडक्ट बन गया क्या, MgO। देखो मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं हमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिन रिएक्शन में से हाइड्रोजन हटता है उनको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या दूसरे शब्दों में बोले तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन है, और ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो भी क्या है, तो भी वो रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऊपर वाले में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन हटेगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन हटेगा। मान लीजिए ऐसा प्रश्न पूछ लेता है CuO+H2, कोई भी रिएक्शन है, कह देगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, CuO+H2 बन गया CuO+H2O। देख ध्यान दे भाई, पूछेगा इसमें से किस, कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ ऊपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ध्यान दे ऊपर जो डेफिनेशन बोली गई थी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखो हाइड्रोजन के साथ H2 है और इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपसे पूछ लेगा कि CuO का क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे रिडक्शन, H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लेगा तो आप बता देंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। आगे बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, बात समझ में। मान लीजिए रिएक्शन है ZnO+C, ZnO+C बन गया Zn+CO। देखो ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव, ऑक्सीजन हट गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का एडिशन होना क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना क्या, रिडक्शन। आपने यही पहचानना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही है कि ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका। आगे होगी बात समझ में, बाकी जो एग्जाम्पल है एक दो कल करवा देंगे। धन्यवाद, हैव ए वेरी नाइस डे।